हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज। तो जैसे कि आ लोग जानते हैं कि रेनी सीजन अभी खत्म होने आ गया है और इसके बाद आएगा विंटर सीजन, जिसमें काफ़ी लोगों को एक वाटर हीटर की जरूरत पड़ेगी। तो आज मैं आपको एक अफोर्डेबल वाटर हीटर का रिव्यू देने वाला हूँ, जिसका नाम है क्रॉम्पटन ग्रेसी का, जो एक इंस्टेंट वाटर हीटर है। तो आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा, साथ में इसका डिटेल रिव्यू भी करूँगा और आपको बताऊँगा क्या ये वाटर हीटर लेना सही है या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन आ सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले मैं बताना चाहूँगा क्यों मैंने क्रॉम्पटन का वाटर हीटर लेना प्रेफर किया। तो क्रॉम्पटन एक लीडिंग और वेल नोन ब्रांड है इंडिया में, जिनके पोर्टफोलियो में आते हैं लाइट्स, फैंस, किचन अप्लायंसेस, पंप्स, वाटर हीटर्स, कूलर्स और काफी सारी चीजें। क्रॉम्पटन पिछले 30 सालों से एक हाउसहोल्ड नेम है और ये BIS सर्टिफाइड है। क्रॉम्पटन प्रोवाइड करता है वाइड वैरायटी ऑफ वाटर हीटर्स फॉर कमर्शियल एंड डोमेस्टिक यूज, जिन्हें जाना जाता है उनकी परफॉर्मेंस, क्वालिटी और रिलायबिलिटी के लिए। अब बॉक्स पर इसके फीचर्स देखते हैं। तो इसमें 3000 वॉट का पावरफुल हीटिंग एलिमेंट दिया है इंस्टेंट वाटर हीटिंग के लिए। इसमें कैपिलरी थर्मोस्टैट, ऑटोमेटिक थर्मल कट ऑफ, प्रेशर रिलीज वाल्व और फ्यूजिबल प्लग दिया है फॉर एडवांस्ड 4-लेवल सिक्योरिटी। ये 6.5 बार का वाटर प्रेशर ले सकता है, तो हाई राइज बिल्डिंग्स में इसे यूज कर सकते हैं। इसमें ड्यूरेबल रस्ट और शॉक प्रूफ बॉडी दी गई है। इसमें सिंगल वेल्ड लाइन स्टेनलेस स्टील टैंक दिया है, जिसे ज्यादा साल चलेगा विदाउट एनी लीकेज, और इसे काफी एलिगेंट और स्लीक डिजाइन दी गई है। इसके टैंक पर 5 साल की और हीटिंग एलिमेंट एंड ओवरऑल प्रोडक्ट पर 2 साल की वारंटी है। बॉक्स पर दूसरे साइड में है इसका मैन्युफैक्चरिंग डिटेल, प्रोडक्ट नेम और मॉडल नंबर। इसकी टैंक कैपेसिटी है 5 लीटर्स की। बॉक्स पर इसकी प्राइस है 7299, बट अगर आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से खरीदेंगे तो आपको ये सिर्फ 3600 में मिल जाएगा। तो फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं बॉक्स पर हमें क्या कंटेंट्स मिलते हैं। तो बॉक्स के अंदर सबसे पहले है ये माउंटिंग स्क्रूज, उसके बाद दिया है यूजर मैनुअल, जिसके बारे में इसकी वारंटी डिटेल्स, स्पेसिफिकेशंस सभी के बारे में बताया गया है। और उसके बाद है हमारा मेन वाटर हीटर का यूनिट इस ब्लैक कलर में, जो काफी स्लीक और अच्छा दिख रहा है। तो ये है हमारा गीजर ब्लैक कलर में, ऊपर एक क्रॉम्पटन की ब्रांडिंग इस मैट फिनिश ऑरेंज पोर्शन में, बाकी बॉडी पर प्लेन ग्लॉसी फिनिश है। नीचे है इसका मॉडल नेम ग्रेसी। ओवरऑल लुक्स वाइज ये काफी स्टाइलिश दिखता है। नीचे है ब्लू में इनलेट और रेड में आउटलेट के लिए प्रोविजन, एंड अराउंड 1 मीटर का केबल दिया गया है वॉल प्लग के लिए। बैक में वॉल माउंटिंग पॉइंट्स और वेंट्स है वेंटिलेशन के लिए। टैंक साइज के हिसाब से बॉडी का साइज इसका काफी बड़ा है, हाइट और डेप्थ वाइज। साइड में कुछ स्पेसिफिकेशंस है, जैसे 230 वोल्ट AC करंट पर वर्क करता है, 3000 वॉट का इनपुट पावर है, इसमें IPX2 लेवल की वाटर प्रोटेक्शन है और ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो अब गीजर फिट करते हैं और आगे की डिटेल्स चेक करेंगे। तो गीजर फिट करके मुझे 3 दिन हो गया है और मैंने इसका काफी अच्छे से यूज कर लिया है। इसके बॉक्स में ये कनेक्शन पाइप नहीं मिलता, तो वो मैंने अलग से 300 रुपये में परचेज करा है स्टेनलेस स्टील पाइप। तो कनेक्शंस आप देख सकते हैं, जो राइट में इनलेट वाला पाइप है ठंडे पानी के लिए, वो कनेक्टेड है वाटर कनेक्शन पर, और दूसरा राइट साइड वाला आउटलेट जा रहा है वॉल के अंदर, जो टैप से कनेक्टेड है इंटरनली। बाकी थर्ड है इसका पावर सोर्स का कनेक्शन। पावर ऑन होने पर ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है, और जब वाटर हीट हो रहा होता है तब साथ में रेड लाइट भी ऑन रहती है। इसका मैक्स हीटिंग आउटपुट है 75 डिग्रीज। जैसे ही वाटर का टेम्परेचर पर्टिकुलर हीटेड लेवल तक आ जाता है, रेड लाइट ऑफ हो जाती है और पानी का टेम्परेचर कम होने पर फिर से शुरू हो जाती है। आपको गीजर ऑन करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 40-50 सेकेंड्स रुकना पड़ता है, उसके बाद अच्छा खासा गर्म पानी आना स्टार्ट हो जाता है। और क्योंकि इसका टैंक साइज बड़ा है, तो ऑलमोस्ट आपका पूरा नहाना हो जाने तक ये कंटिन्यूसली गर्म पानी प्रोवाइड करता है, इसके इंस्टेंट पावरफुल हीटिंग एलिमेंट की वजह से। बाकी आप चाहे तो अपने टाइप से गर्म और ठंडे पानी को मिक्स कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। इस गीजर में एंटी साइफन प्रोटेक्शन दिया है, ताकि टैंक से वाटर का बैकफ्लो ना हो और ड्राई हीटिंग से हीटिंग एलिमेंट डैमेज ना हो। तो ओवरऑल 3600 में ये वन ऑफ द बेस्ट इंस्टेंट वाटर हीटर गीजर है, विद अ बिग टैंक एंड स्लीक डिजाइन। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये गीजर कैसा लगा। और अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे ऐसे टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।